हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे हम लोग मौजूद हैं नारान में और फिलहाल टाइम मुझे नहीं पता क्या हो रहा, मैंने देखा नहीं है टाइम। और कल रात में हम पहुँचे थे, थक गया था मैं, वीडियोस नहीं बना सका और जो है ना मैं सो गया था। और अभी के यहाँ के व्यूज़ ये हैं, आप लोग देख सकते हैं कि सुबह सुबह सारी की सारी शॉप्स बंद हैं। और अभी मैं आया हूँ गाड़ी से कुछ सामान वगैरह लेने के, सामान वगैरह ले लें, फिर आगे हमारा मूड है कि सैफुल मुल्क जाएंगे हम लोग और फिर बस वापसी का भी सीन है। ज़्यादा देर रुकना नहीं है क्योंकि पहले ही हालात ठीक नहीं थे और हम लोग बस आ गए हैं, तो बस देखेंगे होता क्या है। और अभी तक जो है ना सही तरह मुँह भी नहीं धोया है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले चलते हैं गाड़ी से सामान वगैरह उठाते हैं एंड देन कपड़े चेंज करेंगे और फिर नाश्ता वगैरह करके अगले सीन करेंगे। सो आज की आपको मैं पूरी रूटीन इंशाल्लाह दिखाऊंगा। हम लोग रुके थे इस होटल में, माशाल्लाह ज़बरदस्त होटल है। थोड़ा सा मैं आपको व्यू दे दूं, अभी मैं रूम का व्यू नहीं दे सकता क्योंकि रूम में जो है ना लाइट नहीं है। यहाँ लाइट का आई थिंक सो इशू है या क्या मसला है वो मुझे नहीं पता, बट थोड़ा सा मैं टूर करवा दूँगा अगर लाइट आ गई मेरे जाने से पहले। तो हम लोग सारे ना रेडी हो गए हैं और अभी अभी हम लोग निकलने लगे हैं सैफुल मुल्क के लिए। और अभी जो है ना अम्मी लोग सारे बैठ रहे हैं गाड़ी में, गाड़ी करवा ली है, बीच में ही हम लोग नाश्ता करेंगे। मोबाइल शोबाइल चार्ज है नहीं, मैंने ड्रोन श्रोन उठा लिए, अब देखो यार सीन्स आते कैसे हैं। फिलहाल कुछ पता नहीं है, कोई बड़ी बातें नहीं करेंगे। अरसलान भी साथ मौजूद हैं, सो अभी देखते हैं होता क्या है सीन। दो बड़ी सीट है जी, दो किनारे पे चल रहे हैं, उधर जाके आपको सारे सीन्स बताते हैं, फिलहाल जो है ना बात नहीं हो रही। जी तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं सारे सैफुल मुल्क में। यार हमने इधर बात की सारी, मींस के जो जो यहाँ पर सीन्स हैं ना उसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल से बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है ना पहले यहाँ के ड्रोन शॉट ले लूँ ताकि आप लोग ड्रोन शॉट देख लो, देन हम सारी बातें करते हैं, पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं। भाई इतनी सर्दी है, इतनी के बस मैं आपको क्या बताऊँ। सामने जो है ना आप लोग देख रहे हैं वो जो पहाड़ पे बर्फ़ है, वो बर्फ़ ना अभी फर्स्ट बर्फ़ पड़ी है इनके मुताबिक, ठीक है फर्स्ट बर्फ़ पड़ चुकी है यहाँ पर। और फ़िलहाल जो है ना सीन ऐसे हैं कि सर्दी ठीक ठाक है, ये कह रहे हैं कि बस इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ ये सब बंद हो जाएगा और 6 मंथ्स के लिए आप जो है ना सुकून करो, फिर मीन्स के आराम सुकून से जाना। ठीक है तो अभी हम लोग सीन्स कुछ ऐसे करते हैं कि ड्रोन शॉट लेते हैं। यार अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई मींस के बंदा नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं है, मींस के शायद हम एक दो फैमिलीज़ हैं वो सामने देख रहे हैं, फैमिलीज़ जा रही हैं और हम हैं और कोई भी नहीं है। ये पता नहीं सुबह का टाइम है या क्या सीन है, अभी मुझे कुछ नहीं पता, शायद फ्लड की वजह से भी लोग डरे हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक लुक दिखा दूँ यहाँ की।
हाँ भाई, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी हम लोग ले रहे हैं हॉर्स राइड और यहाँ के सीन्स माशाल्लाह। भाई मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि मैं कहीं गिर ही ना जाऊँ। समझ से बाहर है, जुनैस रो रही है कि मुझे मम्मा के पास जाना है, मतलब कुछ अजीब ही सीन चल रहा है। अब जल्दी से बस पहुँचे, हम लोग बस पहुँच ही गए हैं, वो सामने हमने जाना है और उतरते हैं यार बस से, बहुत हो गया। ड्रोन शॉट वगैरह आप लोगों के लिए ले ली हैं और ज़बरदस्त आ गए हैं यार, एक ही बैटरी में शुक्र है काम हो गया। आगे जाना है, प्रोग्राम बन गया थोड़ा सा आगे का, तो वो भी दिखाना है। तो मैंने कहा यार आगे ना बिजली होगी ना कुछ, तो जितना हो सके बस जल्दी हम लोग जो है ना ले लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह शॉट्स आ गए, थोड़े से आए लेकिन अच्छे आ गए। अब हम आ चुके हैं नारान में और गाड़ी हमारी वो सामने खड़ी है। अभी फ़िलहाल शॉपिंग वगैरह चल रही है, बाज़ार खुल चुका है, टाइम हो रहा है 9:00 समथिंग कुछ मिनट, ठीक है। और अभी फ़िलहाल थोड़े से व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पर और सैफुल मुल्क से हम लोग घूम कर आ चुके हैं अभी गाड़ी लेकर, अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। अभी हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि बाबूसर टॉप खुल चुका है, कोई मसला नहीं है, रोड भी बेहतरीन है, तो आप लोग जब इतना आए हो तो चले जाओ। तो अभी हम लोग यही सीन कर रहे हैं कि जाते हैं वहाँ पर और जो भी सीन होंगे फिर आपको बताते हैं। अभी जो है ना डिसाइड ये हुआ है कि पहले नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करने के बाद हम निकलेंगे बाबूसर टॉप की तरफ। 4-5 जगह आती हैं, उसमें आपको ड्रोन शॉट्स एंड एवरीथिंग सब कुछ दिखाना है आपको, ठीक है। अब जब आए तो थोड़ा बहुत ना वो कर लेते हैं और अभी डिसाइड हो गया है कि पहले नाश्ता कर लें। थोड़ी से आगे होटल है, तो आ गया हमारा नाश्ता, जल्दी से नाश्ता करते हैं और फिर हम लोगों ने निकलना है आगे के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं नाश्ता, सो अभी लेट नहीं करते, मैं आपको नाश्ते के बाद मिलता हूँ जी। तो नाश्ता वगैरह कर लिया है और अब हम निकलने लगे हैं आगे की साइड पे बाबूसर टॉप की तरफ। उससे पहले कुछ लोकेशन आएंगी वो आपको बताते हैं, तो अभी ज़्यादा लेट नहीं करते निकलते हैं, ओके। अभी हम लोग रुके हैं बाबूसर टॉप, अभी तकरीबन यहाँ से 28 किलोमीटर दूर है और अभी हम लोग थोड़ी देर रुके हैं कुछ व्यूज़ चेक करने के लिए। आप लोग व्यूज़ देखें माशाल्लाह यार, क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, हर जगह झरने झरने झरने, हर जगह से पानी आ रहा है, पहाड़ों से पानी ही पानी आ रहा है यार, हर जगह से, मतलब क्या ही ना, मतलब आपके पास वर्ड्स नहीं है कि लाइक क्या सीन होगा क्या नहीं ना, मतलब इतनी खूबसूरत जगह। व्यूअर्स अभी सीन्स कुछ ऐसे हैं ना कि 12:40 हो रहे हैं और फाइनली हम बाबूसर टॉप पहुंच चुके हैं। और आपको एक चीज़ दिखानी है मैंने, जिसको देख के आप भी शायद हैरान हो जाएं, बट वेट मैं दिखाता हूं आपको। ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये धुआं धुआं, ये धुआं कुछ भी नहीं है, ये बादल हैं। अब आप लोग देखें खुद, ये सारे बादल हैं और वो देख रहे हैं वो बादलों में अब छुप गए हैं सारी सारी चीज़ें, और इस तरफ अभी थोड़े बादल ऊंचे हैं। अभी मैं आपको उस तरफ जाकर दिखाता हूँ कि यहाँ पर सीन्स कैसे हैं, पीछे सारे बादल, लाइक मींस कि हम अभी बादलों में हैं।
जबरदस्त सीन है यार, क्या बेहतरीन सीन हो रहा है। और यहाँ पर देखते हैं, ड्रोन शॉट लेते हैं। और अगर यार मुझे डर भी है कि ड्रोन बादलों में छुप जाए, दिखे ही नहीं, फिर मसला ही ना हो जाए। सो फाइनली आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड है बाबू सर टॉप का, और सारे पैसे इसी चीज़ के यहाँ के। मतलब मुझे भी नहीं पता था, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ कि यार इस चीज़ के लिए लोग आ रहे हैं कि यार मतलब है क्या ऐसा। वहाँ पर ना ब्यूटी है, थोड़ी बहुत है ब्यूटी, कि ऊपर से जब नज़ारा है ना ज़बरदस्त है यार, मैं क्या बताऊँ। बट यहाँ पर और कुछ नहीं है, कुछ होटल्स हैं, खाने पीने की चीज़ें वगैरह हैं, और फिलहाल कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैं आपको बताता हूँ कि बाबू सर टॉप की क्या मेन खसूसियात हैं। खसूसियात छोड़ेंगे, यहाँ पर असल वजह क्या है, लोग आता क्यों हैं। अभी हम लोग वहाँ पर थे, वहाँ पर ना बस थोड़ा सा आगे मीन के कुछ मीटर्स, ठीक है। और अभी मैं आया हूँ यहाँ पर ना, और अभी यहाँ की ब्यूटी मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ की ब्यूटी देखिए, मेन वजह ये थी यहाँ पर आने की कि लाइक मीन्स की यार ये आप पहाड़ देख रहे हो ना, पहाड़ देख रहे हैं माशाल्लाह, वेदर और क्या सर्दी है यार, बस नहीं बता सकता। अभी हम चलते हैं वापस, बस बहुत घूम फिर लिया, तो लेट्स गो। अभी टाइम हो रहा है 3:03, और अभी हम लोग थोड़ी देर रेस्ट की है हम लोगों ने इस जगह पे बटा कुंडी, मैं इसको पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा था कब से। सो अभी यहाँ पर थोड़े बहुत ड्रोन शॉट्स लिए हैं और थोड़ा बहुत रेस्ट किया है, और अब हम डायरेक्ट निकलेंगे घर के लिए। बस रास्ते में कुछ आपको व्यूज़ दे देंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब मैं बहुत 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 ज़्यादा थक गया हूँ और अब ना हिम्मत नहीं है भाई। बस यहाँ का थोड़ा सा एक व्यू ले लें कि बाटा कुंडी में क्या सीन्स हैं यार। यहाँ पर होटल ज़बरदस्त हैं, अगर आपने स्टे करना है ना नारान से बेहतर है आप यहाँ करें, और सैफुल मुल्क से पहले होकर आके डायरेक्ट यहाँ पर आराम करें। ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 18-19 किलोमीटर ही है नारान से थोड़ा सा आगे। सो चले अब चलते हैं हम घर। फाइनली अभी हम हैं लुलू सर लेक, और आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ कि यार क्या क्या बेहतरीन नज़ारा है, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। आप लोग ज़रा देखें और इंजॉय करें यार,
पानी देखें जबरदस्त, बिल्कुल ब्लू हो रहा है पानी, और पहाड़, और मीन्स के अल्लाह की कुदरत क्या चीज़ है यार, मतलब क्या ही मतलब जबरदस्त, ना मीन्स के ना ही मतलब इंसान के पास वर्ड्स नहीं है कि वो किस तरीके से बयान करें कि क्या करें। हम पहले चले गए थे बाबूसर टॉप, वहाँ पर जो है ना हमने कहा कि वीडियो बनाकर आते हैं। अभी मेरा था कि मैं यहाँ ड्रोन शॉट लूँगा, लेकिन यार मौसम ख़राब हो रहा है, हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई है, सेकंड जो है ना हवा इतनी तेज़ है कि शायद हो सकता है मेरी आवाज़ भी ना आ रही हो, तो मैं फ़िलहाल रिस्क नहीं ले रहा। और अभी सीन इस तरह करते हैं कि अभी वापस चलते हैं आगे, क्योंकि हम लेट हो गए, हमें जाना डायरेक्ट घर। और मैं आपको फ़िलहाल कुछ सीन दिखाता हूँ लोगों के, वो देखें। तो ये सीन चल रहे हैं यहाँ पर, कोई रश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मींस के यार इंजॉयमेंट वाला माहौल है, कोई बंदा ही नहीं है, जैसे कि सिर्फ हम आए और कोई है ही नहीं। सो बस अभी चलते हैं हम लोग वापसी, ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं, जो रुकना था वो रुक लिया है, एंड कुछ पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, देन ओके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग खाते हैं खाना, हम लोग खाना खाते हैं, और आज के सीन्स कुछ ऐसे ना, बट कढ़ाई पे देखें, सारा अमला देख रहा है मेज, ये देखें आप लोग सारे के सारे बैठे मेज देख रहे हैं यहाँ पर, और रश वगैरह कुछ भी खास नहीं है, लेकिन बेहतरीन जो है ना सीन चल रहे हैं यहाँ पर, बेहतरीन जो छक्का होता है भाई, पूरा क्राउड जो है ना तालियां बजा रहे हैं, मतलब अलग ही लेवल आ रहा है। अभी खाने का वेट कर रहे हैं हम लोग, खाना वगैरह आ जाए, खाना खाते हैं एंड देन आराम करते हैं। जी तो हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, और खाना ज़बरदस्त यार, जब भी आप आएँ और यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिरयानी भी ज़बरदस्त थी और कढ़ाई तो क्या कहने थे ना।